हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज मैं शुरू कर रही हूँ अपनी अलमीरा को सेट करने से, क्योंकि काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी और ये अलमीरा मेरी मतलब मेरे ससुराल में रखी हुई है, तो काफ़ी दिन से ये पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा लाओ इसको सेट कर देते हैं, क्योंकि मुझे कुछ जगह बनानी थी अपने विंटर के कपड़े रखने के लिए, तो इसमें जगह थी नहीं, आप देख सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं इसमें जगह बना लूँगी, फिर मैं इनको रख दूँगी। तो सबसे पहले मैं वन बाय वन साफ़ करूँगी, एक साथ सारे कपड़े नहीं निकालूँगी। तो सबसे पहले मैं मेरे हस्बैंड के जो भी मतलब हैंकीज वगैरह हैं या सॉक्स वगैरह हैं, उनको मैं फोल्ड करके अच्छे से उसी पर डाल दूँगी। उसके बाद मैं क्लीन कर दूँगी अलमारी को, उसके बाद फिर मैं फोल्ड कर करके सारी चीज़ें वैसे ही रखूँगी जैसे रखे हुए थे, क्योंकि अगर मैं थोड़ा बहुत भी अपने तरीके से रखूँगी ना, तो फिर ये कपड़े आएंगे नहीं इसमें। तो ये सब मेरी साड़ी आप जो देख रहे हो, मेरे मतलब मुझे शादी में मिली थी, तो काफ़ी भारी साड़ियाँ हैं और ये सिर्फ ओकेजनली पहन सकते हैं, तो काफ़ी भारी साड़ियाँ हैं, तो मैं इनको पहनती नहीं हूँ, बस मैंने रख दिया है। तो अब मैं सारा सामान हटा के और पहले अपनी साड़ियों को फोल्ड करके सारी उनको अच्छे से फिर मैं उसी सेल्फ में रख दूँगी। और मतलब है तो ये साड़ियाँ बहुत सुंदर सुंदर, बट थोड़ा सा दिक्कत है इनके साथ, क्योंकि ये इतनी हैवी हैं कि ये पहनी नहीं जाती हैं। तो उनमें से एक साड़ी ये भी थी, तो मैंने उसको पहना था, तो फिर मैंने फोल्ड करके उसको हटा दिया। उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड के ये जो आप सेट देख रहे हैं, जो मतलब जो कोट सेट होता है, कोट और टाई और बेल्ट वगैरह का सेट होता है, मुझे नहीं पता उनको क्या बोलते हैं, बट आई थिंक सूट सेट बोलते हैं, तो वो मैं ऐसे ही एज इट इज़ लगा दूँगी, क्योंकि फोल्ड करके नहीं लगा सकती तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए एक तरफ का डन हो गया, अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ में मैंने ये मेरे हस्बैंड के कुछ विंटर के कपड़े हैं, तो वो मेरे से बोल रहे थे कि इनको साफ़ कर देना, तो इसको मैं अभी नहीं साफ़ करूँगी, इसको मैं तब साफ़ करूँगी जब वो आने को रहेंगे। जब वो आएंगे तो फिर मैं इसको साफ़ करके हटा दूँगी, तो ताकि वो यूज़ कर सके इन सब चीज़ों को। अभी धो के हटा दूँगी तो कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के सारे कपड़े फोल्ड करके और मैं हटा दूँगी, जो उनके यूज़ के हैं वो पहन लेंगे, जो यूज़ के नहीं हैं वो इसी में पड़े रहेंगे। तो वन बाय वन मैंने फोल्ड करके सारे चीज़ों को हटा दिया, और हटा के फिर मैं रखूँगी उसी जगह पे जहाँ पे मुझे धागा दिख रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं सोच रही थी कि विंटर के कपड़े मैं लास्ट में रखूँगी अगर जगह मिल गई तो यहाँ पे मैं मतलब ये है कि मैं देख रही थी कुछ सामान अगर लॉकर में कुछ रखा हुआ है तो फिर मैं उसको भी ठीक ठाक करके बंद कर दूँगी। तो फिर मैंने ये मेरे शादी का बैग है, वो मैं आपको दिखा रही थी, जो मैं आई थी लेकर पहली बार शादी में, तो वो मैं रख के हटा दूँगी क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद अब मेरा ये मेकअप बॉक्स है, ये भी मुझे ससुराल की तरफ से मिला है, तो यहाँ पे कुछ सामान बाहर पड़े थे तो मैंने सोचा कि नहीं इनको अंदर रख के हटा देते हैं। उसके बाद ये देखिए एक साड़ी मेरे पास थी, ये मैं लेके गई थी मायके, लेकिन इसको पहनना नहीं हो पाया तो फिर मैंने रख दिया है। जब मेरा मन होगा तो मैं इनको निकाल के या तो ले जाऊँगी या तो पहनूँगी। और ये मुझे दिखी थी टॉवल, मुझे ज़रूरत थी तो मैंने निकाल लिया और निकाल के रख दिया, और बाकी सब मैंने लॉन्ड्री बैग में डाल दिया जो कपड़े गंदे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं फिर फोल्ड करके सारी चीज़ें हटा रही हूँ, और जहाँ तक मुझे दिख जाएगा जो कपड़े यूज़ के हैं वो मैं निकाल लूँगी, जो यूज़ के नहीं हैं वो मैं रख दूँगी ऐसे ही। और ये टी शर्ट बहुत ख़राब हो गई थी तो इसको मैंने हटा दिया है। और जो जो मतलब अभी भी मेरे कुछ कपड़े मेरे बैग में ही पड़े हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है, आप देख सकते हो अलमारी कितनी छोटी है, और मतलब कपड़े मेरे आते ही नहीं, इतने कपड़े हो गए ना मेरे पास। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड का शर्ट है, तो इसको मैं कभी कभी पहन लेती हूँ, तो इसलिए मैंने रख दिया है कि मैं यूज़ करना चाहूँगी तो कर लूँगी उसको। उसके बाद फिर मैंने सब कुछ फोल्ड करके अच्छे से हटा दिया, और हटाने के बाद कुछ जगह तो मिल ही गई है मुझे कपड़े रखने के लिए, तब भी मैंने कपड़े रखे नहीं क्योंकि इतना ही करने में मैं थक गई थी और मुझे लगा कि चलो बाद में कभी कर लेंगे। तो फिर मैंने अभी अच्छे से सारे कपड़ों को फोल्ड करके हटा दिया है, और कुछ मैं बैग से कपड़े निकाल रही थी या कपड़े रख रही थी आई थिंक, क्योंकि
अभी नीचे का आप जो सेक्शन देख रहे हो ना अलमीरा का, ये अभी भी मुझे लगता है कहाँ रखूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने सामान हो गए हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब चीज़ों को मैं कहाँ रखूँ, क्या करूँ, क्योंकि जब तक ये सब नहीं हटेंगे तब तक अलमीरा पूरी स्पेस नहीं हो पाएगी अलमीरा की। तो ये मैं चूड़ी चेंज कर रही थी क्योंकि मैंने प्लास्टिक की पहनी थी तो कांच की पहननी चाहिए ना, तो इसलिए मैंने कांच की डाल दी चूड़ी। अब मैं जितना भी मेरे पास एक्स्ट्रा सामान है वो सब मैं बैग में डाल के हटा दूँगी, और हटाने के बाद फिर मैं उनको छोड़ दूँगी। तो इस तरह से मैंने अपनी अलमीरा को कुछ हद तक सेट कर लिया है। अभी भी मुझे लगता है कुछ बाकी है इसमें, तो जब तक ये सामान हटेंगे नहीं तब तक फिर मुझे आइडिया नहीं मिलेगा कि इन सब सारे सामान को कहाँ रखना है। तो एक बार हस्बैंड आ जाएंगे तो उनसे पूछूंगी कि ये सब सामान कहाँ रख सकते हैं। देखिए मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा था मुझे, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया। बल्कि अब जब वो आएंगे तब मैं उनसे बोलूँगी कि आप सामान हटवा दो और फिर मैं जगह मिल जाएगा तो मैं रख लूँगी सारा सामान। तो अब मैं अपने कमरे को क्लीन कर लूँगी और अलमीरा को बंद कर दूँगी। और ये भी मेरे बैग में इतने सामान थे लेकिन मैं रख नहीं पाई क्योंकि इतना सामान हो गया था, जगह ही नहीं बच रही थी कहीं रखने की। तो ये सब कूड़ा मैं डाल दूँगी एक प्लास्टिक में और ये सब मैं फेंक दूँगी। और यहाँ पे मैं कुछ पढ़ रही थी तो समझ में नहीं आ रहा था क्या है, कुछ था तो मैंने कहा हो सकता है ज़रूरी हो तो मैंने रख दिया, क्योंकि मेरी आदत नहीं है बिना पूछे चीज़ों को फेंकने की। तो फिर मैंने अच्छे से पढ़ा और पढ़ के उस स्लिप को रख दिया। तो ये देखिए कितने ध्यान से मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं मुँह भी बना रही थी कि क्या लिखा है इसमें, समझ में नहीं आ रही थी, राइटिंग समझ में आ रही थी, जिसने भी लिखा है कि पता नहीं अजीब ही तरीके से लिखा है कि क्या है। तो उसको मैं अच्छे से रख दूँगी भाई कि कभी हो सकता है ज़रूरत पड़ ही जाए तो क्या मतलब, फिर तो फिर मुझे ही होगा ना कि फिर यही रहता है ना कि फेंक दो फिर वो चीज़ें आ जाती हैं कि अरे नहीं पूछ के फेंकना चाहिए था समथिंग वगैरह। ये देखिए मेरी अलमारी सेट हो गई है कुछ हद तक, मैं नहीं कह रही पूरा हो गया है बट अब कुछ हद तक टेस्ट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।